you want to watch this video in English, the link is given above. Wonderful people, welcome back to Sanarshad Vlogs. मैं सुबह सवेरे 5 बजे उठती हूँ और मैंने रोजाना इसी टाइम पर जागने का एक मुस्तकिल मामूल बना लिया हुआ है। आँख खुलने के बाद एक लम्हे के लिए मैं अपने बेड पर बैठ जाती हूँ और ये बहुत ही पुरसकून लम्हा होता है और इस पुरसकून लम्हे में मैं अपना पॉजिटिव माइंड सेट करती हूँ ताकि सारा दिन मेरा बहुत खुशगवार गुजरे और शुक्र अदा करती हूँ कि एक और नया दिन मुझे देखने को मिला। इसके बाद मैं पानी की बॉटल साइड टेबल से लेकर अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करती हूँ क्योंकि सारी रात सोने के बाद बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट स्टेप मेरा अपने बेडरूम के कर्टन को हटाने का होता है ताकि मुझे नेचुरल लाइट का एक्सपोजर मिले और ये एक्सपोजर मेरे एनर्जी लेवल्स और मूड पर पॉजिटिवली असर अंदाज होता है और मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और सेकेंडली, खिड़की से बाहर जब मैं सुबह का मंजर देखती हूँ तो मेरा माइंड मेरे बॉडी को सिग्नल सेंड करता है, भाई उठ जाओ, जाग जाओ, सुबह हो गई है। टूथब्रश और मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन से पहले ये हेडबैंड पहनना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये हेडबैंड ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसकी वजह से मेरे बाल गीले नहीं होते और मैं क्लेंजिंग प्रोसेस बहुत ही स्मूथली और इफेक्टिव वे में कर सकती हूँ। सारी रात सोने के बाद हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है तो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला स्टेप मेरा क्लेंजर का होता है और मैं ओलेय क्लेंजर का इस्तेमाल करती हूँ। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल मैं स्मॉल अमाउंट में करती हूँ और इसे अपने हाथ पर डिस्पेंस कर फेस और नेक पर मसाज करती हूँ। ये स्किन के लिए बहुत ही जेंटल है और मेरी स्किन को ओवर ड्राई नहीं करता। इसके साथ एक्सेस ऑयल और डर्ट को लिफ्ट अवे करता है और मेरी स्किन को एक ग्लो देता है। दैट्स व्हाई आई यूज दिस क्लेंजर। चलिए जी, इसके बाद मैं इस्तेमाल करती हूँ जेल सीरम और ये भी ओलेय का जेल सीरम है और इसमें हाइलुरोनिक एसिड और नायासिनामाइड है जो कि हेल्दी स्किन बैरियर को प्रमोट करते हैं और मुझे इस तरह की हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने के बाद हाइड्रेशन चूंकि स्किन की हो जाती है तो फेस की बहुत फ्रेश लुक आती है। थर्ड स्टेप मेरा मॉइस्चराइजर का होता है और मैं ओलेय हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये अल्ट्रा रिच हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है तो दिन में इसका इस्तेमाल मैं 2 मरतबा करती हूँ। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन का असल मकसद मेरा स्किन को हाइड्रेट रखना होता है। लास्ट स्टेप मेरा सनस्क्रीन की एप्लीकेशन का होता है। सनस्क्रीन मैं जिस भी कंपनी की लेती हूँ इस बात का ख्याल रखती हूँ कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 प्लस हो। चलिए जी, मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के सभी स्टेप्स हो गए और इसमें कुछ ही मिनट्स कंज्यूम होते हैं लेकिन इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं। और इसके बाद जी जल्दी से मैं नमाज पढ़ने की तैयारी करती हूँ। तो नमाज पढ़ने के लिए मैंने एक खास जगह डेडिकेट की हुई है। नमाज पढ़ने से आपका आपके खालिक के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और यही चीज़ आपको अंदरूनी सुकून प्रोवाइड करती है। So praying in the morning is very important as it fosters a sense of connection, gratitude and inner peace. Mere saath to kuch aisa hi hai.
जी, अब टाइम हो गया है बच्चों को और मिस्टर अरशद यानी कि मेरे हस्बैंड को जगाने का, और मैं रुख करती हूँ किचन का। किचन में एंटर होते साथ ही सबसे पहले मैं जितने भी मोबाइल्स हैं उनको चार्जिंग पर लगाती हूँ, और इसके बाद बच्चों के लिए हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। एक बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट के लिए मेरी कोशिश होती है कि इसमें प्रोटीन, होल ग्रेन्स और फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन हो। बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट पर मैं जोर इसलिए दे रही हूँ कि ये बच्चों को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे उनकी एनर्जी बूस्ट होती है और वो बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चों को फीड करने के साथ साथ मैं उनकी लंच की प्रेपरेशन भी साथ करती रहती हूँ। रात को मैंने स्पेगेटी कीमे में बनाकर रख दी ताकि सुबह आसानी से इनको लंच में दे सकूं। मॉर्निंग स्नैक के लिए मैं डिफरेंट टाइप्स के इनको फूड देती हूं, साथ रिफ्रेशमेंट के लिए ड्रिंकिंग योगर्ट भी रख देती हूं। मेरे तीनों बच्चों की टेस्ट डिफरेंट है तो मैं अकॉर्डिंगली उनकी चॉइस के मुताबिक उनको फूड्स देती हूँ, लेकिन लंच का मेन कोर्स सेम है जो कि स्पेगेटी विद मिंस है। डेली इनके लंच का मेन्यू डिफरेंट होता है। एक रात पहले मील्स की प्री प्रेपरेशन से मेरी मॉर्निंग स्ट्रेस फ्री रहती है और मैं बेटर वे में टाइम मैनेजमेंट कर सकती हूँ। इस लंच बॉक्स में मैंने मेन कोर्स के साथ ग्रीक योगर्ट रख दिया है, साथ में मैं सैलड ऐड कर रही हूँ जिसमें चेरी टमाटोज, क्यूकम्बर्स और बेबी स्पिनिश लीव्स हैं। लंच बॉक्सेस तो हो गए हैं रेडी, इनके साथ हाइड्रेशन के लिए वाटर बॉटल्स तो मस्ट हैं। किचन से फारिग होकर अब टाइम है कि मैं अपने स्लीप वियर को चेंज करूँ और डे टाइम अटायर वेयर करूँ। आज मैं रस जंपर विद ब्लैक जीन्स वेयर कर रही हूँ। अब बच्चों के स्कूल ड्रॉप ऑफ का टाइम है। मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को स्कूल ऑन फुट लेकर जाऊँ। मेरे लिए वॉकिंग टू स्कूल एक तरह की सीमलेस फिजिकल एक्टिविटी है और इससे मैं फिट रहती हूँ। घर वापस आकर मैं थोड़ा सा पर्सनल टाइम रिलैक्स और रिचार्ज करने के लिए लेती हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप को हाइड्रेट करती हूँ विद अ ग्लास ऑफ इन्फ्यूज्ड वाटर। इन्फ्यूज्ड वाटर के लिए मैंने लेमन और क्यूकम्बर्स के स्लाइसेस पानी में डाले हुए हैं, एंड दिस वाटर हैज डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज। इस दौरान मेरे मोबाइल पर जितनी भी ईमेल्स और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आती हैं उनको रिस्पॉन्ड और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ, और इस तरह से इस टाइम को मैं प्रोडक्टिव वे में स्पेंड करना चाहती हूँ। चलिए जी, इस टाइम पर मैं हंगर फील कर रही हूँ और ये टाइम है कि मैं अपने आप को न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट से फ्यूल अप करूँ। सबसे पहले मैंने लिया है चॉपर और उसमें मैं डाल रही हूँ चेरी टमाटोज, अनियंस, रेड कैप्सिकम और बेबी स्पिनिच लीव्स। विद इन सेकेंड्स ही ये वेजिटेबल्स हो गई हैं चॉप। इसके साथ मैं अपने चॉपिंग बोर्ड और नाइफ को वॉश करकर रख रही हूँ। जैसे जैसे मैं काम करती हूँ वैसे ही चीजों को ऑर्गेनाइज करती जाती हूँ। अब इन वेजिटेबल्स को निकाल लेते हैं बाउल में और चॉपर को हम वापस रखते हैं उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस पर ताकि किचन क्लटर फ्री रहे। चलिए जी, इन वेजिटेबल्स में डाल लेते हैं दो अदद एग्स। एग्स को ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करने से मेरे दिन का बहुत ही सेटिस्फाइंग स्टार्ट होता है, क्योंकि इनको कंज्यूम करने से मुझे फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है और इस तरह से मैं सारा दिन ओवर ईटिंग करने से बाज रहती हूँ। इन एग्स को बनाने के लिए मैं बहुत ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती, जस्ट कपल ऑफ स्प्रे सफिशेंट है। एवरी डे मैं 2 स्लाइसेस ऑफ होल मील ब्रेड के कंज्यूम करती हूँ और साथ ही मैं हाफ एवोकाडो को पील ऑफ और मैश करकर स्लाइसेस पर स्प्रेड कर देती हूँ।
और एवोकाडो के टेस्ट को बेटर करने के लिए मैं लेमन स्क्वीज करती हूँ और पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। हेल्दी रिफ्रेशिंग शेक मस्ट हैव पार्ट है मेरे ब्रेकफास्ट का। आई लव टू कंज्यूम ब्लूबेरी एंड स्ट्रॉबेरी शेक इन द मॉर्निंग। ओप्स, एक स्ट्रॉबेरी नीचे गिर गई। चले होता है, वॉश कर वो स्ट्रॉबेरी मैंने वापस डाल दी। काम करने के दौरान ऐसा होता है। इसका कलर बहुत ही आई कैचिंग और रिफ्रेशिंग है, सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। ब्लेंडर इस्तेमाल कर मैंने वापस उसकी अपनी जगह पर रख दिया है फॉर अ क्लटर फ्री किचन। सो मेरा एवरीडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कॉम्बिनेशन है प्रोटीन्स, होल ग्रेन्स, गुड फैट्स, विटामिंस एंड मिनरल्स का। बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट हेल्प करता है स्टेबल ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए और ये मेरे एनर्जी क्रैशेस और मूड स्विंग्स को भी प्रिवेंट करता है। चलिए जी, मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। ये टाइम होता है जब मैं खाने के दौरान अपनी फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज देखती हूँ। यस, राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आप लोगों में से कौन कौन शौक से नेटफ्लिक्स देखता है। ब्रेकफास्ट के बाद मैं लेती हूँ सप्लीमेंट्स। ये मल्टीविटामिंस मैंने कपल ऑफ मंथ्स ही स्टार्ट की हैं। अच्छा, अगर आप मल्टीविटामिंस लेते हैं तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप सोलली इन सप्लीमेंट्स पर ही रिलाय करें। इन मल्टीविटामिंस को लेने के साथ साथ वेल बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्टिविटी और दूसरी हेल्दी हैबिट्स को जारी रखना बहुत जरूरी है, तभी आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। बर्तनों को मैं मैनुअली वॉश नहीं करती, डिशेस वॉश करने के लिए मैंने डिश वॉशर रखा हुआ है। यहाँ किचन के सिंक पर बर्तनों का क्लटर है, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा होता है डिश वॉशर में से साफ बर्तन निकाल कर उनको उनकी डेजिग्नेटेड प्लेस पर रखना, क्योंकि रात को सोने से पहले मैं डिश वॉशर का एक साइकिल स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस तरह के गैजेट सिर्फ मेरा टाइम सेव ही नहीं करते बल्कि मेरी फैटीग को भी कम करते हैं। ये बड़ी समझदारी की बात है अगर आप पैसे इस तरह के गैजेट्स पर स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये हमारी एफिशिएंसी और कन्वीनियंस को इम्प्रूव करते हैं, हमारा वक्त बचाते हैं और इससे हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। मेरे वो व्यूअर्स जो मेरा रेगुलर व्लॉग देखते हैं वो जानते हैं कि मुझे होम गैजेट्स कितने पसंद हैं। ये जितने भी बर्तन हैं ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं और जब भी मैं डिशवॉशर लोड करती हूँ बर्तनों को सबसे पहले स्क्रेप ऑफ करती हूँ और रिंस करती हूँ। इसके बाद डिशवॉशर में लोड करती हूँ। इस तरह करने से मेरे डिशवॉशर में से स्टिंकी स्मेल बिल्कुल नहीं आती और जब भी डिशवॉशर को खोलते हैं ये क्लीन स्पार्कलिंग दिखता है, इसमें से फ्रेश स्मेल आती है। इसके बाद सिंक पर जितनी भी मैनुअल वॉशिंग की चीजें होती हैं उनको मैं धो लेती हूँ, जिस तरह से ये रीयूजेबल स्ट्रॉ है और इसका मैंने सेपरेट ब्रश रखा हुआ है इसको क्लीन करने के लिए। चलिए जी, सिंक हो गया है साफ, ग्लव्स उतारते हैं और मैं अपने मॉर्निंग रूटीन के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। इस वक्त मुझे जरूरत है अ नाइस कप ऑफ टी की। हैसल फ्री टी एक्सपीरियंस के लिए मैं टी बैग्स का इस्तेमाल करती हूँ। लूज टी लीव्स का इस्तेमाल मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है क्योंकि इसके लिए इन्फ्यूजर्स और स्ट्रेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि
टाइम कंज्यूमिंग होता है और कन्वीनियंट भी नहीं होता। आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि आपको लूज टी लीव्स पसंद है इस्तेमाल करना या मेरी तरह टी बैग्स। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैंने अपने लिए कपल ऑफ डायरीज रखी हुई हैं। इस डायरी को मैंने अपनी एवरीडे टू डू लिस्ट के लिए डेडिकेट किया हुआ है। इससे मेरी डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑर्गेनाइज रहती हैं और कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क ओवरलुक नहीं होता मुझसे, और हर काम के लिए टाइम भी मैं बेहतर तौर पर मैनेज कर पाती हूँ। टू डू लिस्ट बनाने से मुझे ये भी पता चल जाता है कि कौन सी मेरी जॉब्स हैं जिनको मैंने प्रायोरिटी देनी है और इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज को सबसे पहले टैकल कैसे किया जाए। तो ये डायरीज मेरे लिए बहुत ही फायदा मंद टूल्स हैं, क्योंकि इनकी वजह से मेरी लाइफ ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है और मैं अपने डेली गोल्स बआसानी तौर पर अचीव कर लेती हूँ, और मुझे लगता है मेरा हर रोज प्रोडक्टिव वे में गुजरा है। ये सेकेंड डायरी मेरी वीकली टास्क डायरी है। इसमें मैं अपने पूरे हफ्ते की जॉब्स नोट डाउन करती हूँ। इसके अलावा पूरे हफ्ते की जितनी भी कमिटमेंट्स और इवेंट्स होते हैं उनको भी राइट डाउन कर लेती हूँ एज अ रिमाइंडर। जब मैं पूरे हफ्ते के काम इस डायरी में राइट डाउन कर लेती हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है कि इनको किस तरह से मैं ब्रेक डाउन करूँ और स्मॉलर मैनेजेबल टास्क में कन्वर्ट करूँ। तो जी, ये टास्क लिस्ट जो है ना, ये मेरा स्ट्रेस लेवल तो कम रखती ही है। अक्सर लास्ट मिनट रशेस का सामना करना पड़ता है तो इन रशेस से भी मुझे दूर रखती हैं। आज मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की अपने सभी वंडरफुल व्यूअर्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।